अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैदराबादी चॉप्स और गुर्दों की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आएंगी। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब हमारे नानी जी कुकिंग स्टार्ट करें। एक बेजल को अच्छे से गर्म करके इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 1 कप। कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। प्याज को इस तरीके से फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट ब्राउन होने तक। ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटे। टमाटरों को भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। अब इन सब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इसके अंदर का मसाला नहीं जलना, इसलिए हम पानी ऐड कर ले रहे हैं। और इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये 1/2 किलो चॉप्स है जिसको हम धो के साफ करके रख लिए। और अब हम इसको मसालों में ऐड करेंगे और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों में। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन से ढाँप देंगे और मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम गुर्दों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। गुर्दों को क्लीन करने के लिए हमने लिया है 1 लीटर पानी और इसके अंदर ऐड करें हम हरा धनिया। इसको अच्छे से उबालेंगे। ये देखिए पानी अब अच्छे से उबल रहा है। हम इसमें ऐड कर रहे गुर्दे। गुर्दे ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 2 मिनट बाद अच्छे से उबल रहा। जो भी गुर्दों में रहता वो पूरा क्लीन होकर ऊपर आ जाता, तो हमको ऊपर से ड्रेन कर लेना है। इस तरीके से उबालने से जो भी पूरा ग्लीज रहता गुर्दों में वो पूरा ऊपर आ जाता, इसको हम ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से, ये देखिए अच्छे से गल गए भी। और अब हम इसको वॉश कर लेंगे और चॉप्स में ऐड कर देंगे। चॉप्स में किडनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी को भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। ये देखिए 5 से 10 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। दो मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन ढाप देके हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेके सर्व कर देंगे। ये देखिए हम सर्व करते टाइम इसके ऊपर थोड़ी हरा धनिया और थोड़ी अदरक ऐड करें। ये देखिए अब हमारा हैदराबादी चॉप्स और गुर्दे रेडी है। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी है। और ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमें कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।